कोई भी हमारी क्रिया भगवान आज्ञा से विरुद्ध न हो जाए, इतना ख्याल रखना। फिर करना, आप ही करा लेंगे वो कृपा। सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरीश ऐसी दो चीज है, संसार से वैराग्य, भगवान में अनुराग, संसार से हटना, परमात्मा में लगना, दो बात है ना। तो भगवान कहते हैं सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीश्यसी, और मत प्रसाद आपनोति शाश्वतम पद भगवी, दोनों जगह मत प्रसाद आया है। तो संसार के विघ्नों के हटने में मेरी कृपा काम करेगी और मेरी प्राप्ति में मेरी कृपा काम करेगी, तू चिंता मत कर। तो संसार से हटने में तो अत्यंत नाश हो गया, दुखों का, संताप का ये नाश हो गया, और परमात्मा के पास आनंद की प्राप्ति होगी। तो दुखों का अत्यंत अभाव और परम आनंद की प्राप्ति, ये दो का नाम है मोक्ष। तो दोनों भगवान कहते हैं मेरे से होगा, मत प्रसाद तरीके से। तो भगवान के चरणों के शरण हो जाए, बिल्कुल अन्य आश्रय हमारे भगवान का है। हमारे क्रियाओं का, पदार्थों का, बुद्धि का, विज्ञता का, जानकारी का कोई आश्रय नहीं, हमारा आश्रय केवल भगवान का है। ये भगवान का हूं तो उसकी कृपा सब काम करेगी, स्वतः खुली कृपा काम करेगी। आप कुछ मन लगा दोगे करना पड़ेगा तो उतनी आड़ लग जाएगी, ज्यादा कर ले भगवान क्या कर दो, तुम कर लो तो क्या कर दो, जन्म और मरो जन्म किया तो उसका भरोसा ले लो बस। अपने तो केवल उसका इशारा मालूम हो जाएगा, ऐसे भगवान से वही काटना शुरू कर देने। एक बाबा जी नौका में बैठे जा रहे थे, तो चलते चलते भंवर आ गया और घूमने लगी। अब वह डांड मानती नहीं है नौका, तो उसने कहा मल्लाह ने कहा भाई अब अपने अपने इसको याद करो, अब पता नहीं है भंवर में आ गई है तो डूब भी जाएगी तो पता नहीं है, अब कोई अपने हाथ की बात नहीं है, अपने इसको याद करो। तो बाबा जी बैठे थे, बड़ा तुम्बा ले लेकर पानी भरने लगे नौका में, जय सियाराम जय जय सियाराम जय सियाराम जय जय सियाराम, नौका में पानी भरने लगे। इतने और चक्कर से बाहर निकली, मल्ला बोला कि अब कोई खतरा नहीं, अब ठीक है, हमारा डांड मानती है गीता का नौका, अब कोई बात नहीं, जनो कमल जय सियाराम जय जय सियाराम पानी उछाल लेंगे। तो सबने कहा बाबा तू पागल है क्या, जब डूबने लगी तो पानी भरने लगा, अब तो चलने लगे पानी निकालने लगा, इसको दया नहीं आती, कितने आदमी बैठे सब डूब जाते। तो वो बोला कि मैं कोई अलग था क्या, दया तो तब है, मैं अलग था, आप अलग थे, तो ये मूर्खता काम क्यों किया। मूर्खता का नहीं, हमारे को पूरा पता नहीं लगता, दबोड़ी बात आई तो हम समझा भगवान दबोड़ना चाहते हैं, तो रहते हैं बहुत ठीक, हम तो हाँ हाँ मिला दिया उसमें, यूं करो अपने ही मदद करो कि भगवान दबोड़ा ही है, कहता अब तो बाहर निकल गई नहीं डूबेगी, तो भगवान के मानने की वजह से उद्धार करना है तो अपने पान फेंकने के बाद, हमें जीने से मरने से क्या मतलब है, हमें से मालूम हुआ कि भगवान की ये इच्छा है, ठीक है उसी में करने लग गया बस। तो इसमें पानी भरने वाली तो लीत मत लेना और पानी निकालने वाली ले लेना, आधी ले लेना आधी नहीं, ठीक है भगवान की मर्जी है तो निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। वो पानी भरना शुरू किया आपको भरना नहीं, चिंता छोड़ देनी कि ठाकुर जी की मर्जी है, बड़ी अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, आनंद की बात। हमने एक बात सुनी है, कई वर्षों पहले पानी बरसा खूब, चौहत्तर संबत में हुआ किसमें याद नहीं है, हमें सुनी है बात, पता भी नहीं हमें, सुनी हुई बात है कब की है, बहुत ज्यादा वर्षा आई, गंगा जी खूब बढ़ गया, उधर पहाड़ों से खूब पानी आता था, तो पानी ऐसा जोर से आया कैलाश आश्रम के ऊपर, तो कहा कैलाश आश्रम बह जाएगा, इतना जोर से पानी आया है कैलाश आश्रम फरम बह जाएगा, गंगा जी में चले जाएंगे। तो महंत थे उस समय, ये बात सुनी हुई है, मेरे पूरा पता नहीं है, वे खुशी हो गए नाथ, हाय गंगा मैया गोदी में, आज तो गंगा मैया गोदी, आज माँ की गोदी में जाएगा, आज तो माँ की गोदी में, तो खुश हो गए, नाचने लगे, प्रसन्न हो गए, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, आज तो माँ 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 की गोदी में जाएगा, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, ऐसे खुश हो गए। फिर उन पहाड़ों के पत्थर आए, जो पहाड़ से पत्थर आकर के और कैलाश आश्रम के पास में लग गए, वो पत्थर आ जाने से
कुछ नहीं बिगड़ा, पानी बह गया ठीक नहीं। तो ऐसे खुशी मनाऊंगा ठीका गंगा मैया गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, माँ 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 की गोदी में आज जाएंगे, माँ की गोदी में जाएंगे। ऐसे जो परिस्थिति आती है उसमें प्रसन्न हो जाओ, प्रतिकूलता में प्रसन्न और अनुकूलता में सेवा, दूसरों की सेवा, तो दोनों सुख दुख दोनों से ऊंचे उठ जाओगे, दोनों से ऊंचे उठे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो छोड़ दो, होगी कहते हो ये कहां से आई भाई, अरे कुत्ता कुत्ता आ गया, कुत्ता आ गया, चिंता आ गई, कुत्ता आ गया। एक संत की बात मैंने सुनी, विचित्र बात, संत से कथा करते थे और कथा करते सुनाते थे, तो भाई बहन बहुत लोग इकट्ठे आते सुनते थे, किसी स्त्री की तरफ दृष्टि पड़ी और मन में आया बड़ी सुंदर है, चट उठ जाते शोर रे शोर 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 उठ जाते, खड़े हो जाते एकदम, लोगों में हल्ला हो जाता, लोगों ने कहा भागे भाई बैठ बैठ। वृत्ति शांति, वृत्ति खराब नहीं थी फिर, जहां के देखा सुंदर रूप है ये, वो खड़े हो गए शोर 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 खड़े, सब लोग खड़े शोर आ गया, बैठ जा भाग गया, सब बैठ जा आराम से, कोई अर्जुन नहीं भाग गया, तो कहां ठहरे बताओ। ये संतों की तरह तरह की युक्तियां है महाराज, अब कौन जाने इन बातों को, कौन पहचान क्या जी आइया मिटे इया, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ले, हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद हमारे और भगवान की संधि हो गई, चिंता करना तो भगवान को दे दिया, आनंद आ रहा हम मौज तो हम करेंगे, चिंता तुम करो महाराज, जो जाको शरणो लियो साका ताकि इलाज, उल्टर से मछली से बह हो जाते गजराज, चिंता दीन दयाल को हम क्यों करें चिंता, चिंता दीन दयाल को तुम्हारे मोहन सदानंद, हमारे तो आनंद आनंद हमारे पास ही, चिंता चिंता भगवान के पास ही, बंटवारा हो गया हमारा तो बस, अब चिंता वो करो, हम चिंता नहीं करते, हम तो मस्त रहते, काहू के बल भसिनकार काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोबत पाव पसार, इसका अर्थ सोने का नहीं, इसका अर्थ निश्चिंत होने का है, नाम जप करते हैं कीर्तन करते हैं हरदम है जितना भगवान को याद करते, और काम ही नहीं हमारा, और कोई चिंता ही नहीं, चिंता तो हरि नाम की और अनचित वेदास, भगवान का नाम भूले नहीं बस, और कोई चिंता नहीं, दूसरी चिंता सो करे स्वीकाल की पास, क्यों चिंता कर दूसरी रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी बस, राम 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 क्यों जाओ, नरसिंह जी ने कहा कि नहीं सूरदास के पास बैठो गावो होड़ा होड़ आथन पैसे ताजा बोल देसी रण छोड़ बोलो भगवान दे दे मारे तो सोसा उड़ाओ ओई से सरो मोटी मोटी माला ले रहे भजन करो बैठ ये रसोई है मारे रसो उड़ाओ ओई सरो सरो सूरदास के पास बैठो गावो होड़ा होड़ आथन पैसे ताजा बोल देसी रण छोड़ नहीं देते नहीं सही है बढ़िया है अपने तो कीर्तन करेंगे कृपा काम सब करेगी आप बीच में हाँ टांग अड़ा दोगे वो कृपा बदल लेगा क्यों अड़ाओगे अपने भगवत आज्ञा के अनुसार जीवन बितावे निर्मल निश्चिंत निर्भय निश्चय होकर के मौज में रहे आनंद में रहे आनंद में रहे मस्त रहे भगवान मच्छी तो ही कहो थाने मत्सित आप हो जाओ सर्व धनश्रेष्ठ भगवान कहता है सब विघ्न तर जाएगा तुम चिंता मत कर मत्सित भगवान में स्थित है हमारे अपचिंतन भगवान ही करते हैं हमारे कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं कुछ नहीं हमारी चिंता है ही नहीं कोई चीज तो भगवान का ही चिंतन करे और हमारा काम क्या है अकर्ण निरपेक्ष ऊंचे से ऊंचे अकर्ण निरपेक्ष वो है साधन भगवान चित गया उनका चिंता उसी के हमारे वो हमारे बस हमारे कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं हमें अपने लिए कुछ करना ही नहीं है कभी ना चिंतन है ना ध्यान है ना समाधि है ना जप है ना कुछ नहीं करना
हमारे लिए भगवान की गुण सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, भगवान के जो कुछ सुनो और मस्त हो जाओ उसमें। हमारे लिए कुछ करना ही नहीं है।